जिंदगी का एक उसूल याद रखना, दोस्ती सबसे करना पर भरोसा खुद पर करना, और अपने रास्ते हमेशा खुद चुनना, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मंजिल तुम्हारी है और इसके लिए मेहनत भी तुम्हें ही करना होगा, ना ही लोग तुम्हारे साथ होंगे और ना ही हालात। ये दुनिया बहुत ही निर्दयी है, अच्छे वक्त में आपके सामने नाक रगड़ने को भी तैयार हो जाएगी, और वही आपके बुरे वक्त में आपको पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसलिए अगर कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो एक बात याद रखना, ये दुनिया हमेशा कीमती चीजों को ही नजरअंदाज कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा दुखी रहते हैं या बुरे लोग? यकीनन जो लोग अच्छे काम करते हैं वही लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि अच्छे लोग अक्सर सीधे साधे और साफ दिल के होते हैं, और उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाकर बुरे लोग अपना काम निकाल लेते हैं, उनका अच्छे से यूज कर लेते हैं। लेकिन जब इन अच्छे लोगों को कभी दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है तो किसी न किसी प्रॉब्लम का बहाना बनाकर मदद से इनकार कर देते हैं, और इन अच्छे लोगों को अपने अच्छे काम के बदले क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। और वहीं दूसरी तरफ बुरे लोग हमेशा दूसरों के साथ बुरा करते हैं और हमेशा खुश भी रहते हैं, क्योंकि जब उनको जरूरत पड़ती है तो इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका यूज करके वो अपना काम निकाल लेते हैं, और उनकी किस्मत तो देखो, अच्छे लोग उनके झांसे में भी आ जाते हैं, और फिर वही होता है, बुरे लोगों का काम निकल जाता है और अच्छे लोगों को जरूरत पड़ने पर प्रॉब्लम का बहाना सामने आ जाता है, और इसी वक्त उनकी असली औकात बाहर आती है। मुझे पता है आप अच्छे लोग हो और हमेशा अच्छे बने रहो, लेकिन यह दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बुरे नहीं हो, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप बुरे लोगों को पहचान नहीं पाते हो, यह आपकी प्रॉब्लम है। आप इस दुनिया को भी वैसा ही समझते हो जैसे आप हो, मतलब ये कि आप सभी लोगों को अच्छा ही समझते हो। आप भले ही सीधे हो, लेकिन यह दुनिया बिल्कुल भी सीधी नहीं है। यह दुनिया दिखती तो सीधी और गोल है, लेकिन यह जलेबी की तरह है, टेढ़ी मेढ़ी, और इसमें बहुत से झोल है। जाने के कि एक बात हमेशा याद रखना कि जंगल में वही पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। इसलिए अच्छे और ईमानदार बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि कोई भी आए और आपको बनाकर चला जाए, वरना बाद में किसी कोने में रोते रहोगे और अपने कर्मों और भगवान को दोष देते रहोगे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अब वो समय जा चुका है जब कोई आपको तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। अब वो समय आया है जब कोई आपको तमाचा मारे तो उसे भी खींच कर एक तमाचा लगा दो, लेकिन हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी तरक्की से, जिंदगी में कुछ उखाड़ के, अपने पैरों पर खड़ा होके, आसमान की ऊंचाइयों को छूके। जब आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लोगे जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, तब औरों के गाल पर खुद ब खुद तमाचा लग जाएगा। एक बात याद रखना, खो देता है जो वक्त को वो जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ये जिंदगी का कड़वा सच है, ना लोगों को कायदे पसंद है, ना लोगों को वायदे पसंद है, लोगों को बस अपने फायदे पसंद है। आज से दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता दुनिया उन पर हंसती है, और जिनके पास सब कुछ होता है दुनिया उससे जलती है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत कभी किसी को मत दो, वरना वो आपको गिरा हुआ समझेंगे। आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये जिंदगी आपकी है, और सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, फिर दूसरों के बारे में। दूसरों के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, दूसरे आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम का बहाना बनाकर टाल देंगे। इसलिए थोड़ा स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। स्वार्थी बनकर कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, लेकिन इतने स्वार्थी बन जाओ कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाकर आपको धोखा ना दे सके। ये जिंदगी आपकी है, समय रहते संभल जाओ और कुछ कर जाओ। लोग क्या कहेंगे ये सोचना तो बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि आप कुछ भी करो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आपका दिल चाहता है, चाहे ये लोग आपके खिलाफ हो या ये पूरी दुनिया। दुनिया को अपनी अच्छी नजरों से मत देखो, बल्कि दुनिया की नजरों से लोगों को समझने की कोशिश करो, और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। निकाल दो अपनी जिंदगी से उन मतलबी लोगों को जो आपकी अच्छाई के लायक नहीं है। दुनिया ऐसी ही है, बहुत बुरी, आप इससे बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को बदल देते हो तो ये 100% गारंटी है आप जरूर कुछ ना कुछ कमाल कर जाओगे। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई
अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो ये तय है कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हें भाव नहीं देते हैं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है वो भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मुझे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह के और बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।